कन्नड़ इंडस्ट्री को पहचान मिला है केजीएफ की हाथ पकड़ के, और इसके बाद ही कन्नड़ इंडस्ट्री अपनी फिल्म को पैन इंडियन लेवल पर रिलीज करना स्टार्ट किया। और 777 चार्ली, विक्रांत रोना और कांतारा जैसी फिल्में आई हैं और पैन इंडियन पे सक्सेसफुल भी बनी है। और दोस्तों, आज मैं कन्नड़ का दूसरा एक्टर नहीं बल्कि सिर्फ तीनों शेट्टी को लेकर बात करने वाली हूँ, क्योंकि तीनों कन्नड़ का गेम चेंजर है। दोस्तों, ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। जहाँ पर कन्नड़ का ज़्यादातर फिल्में मास एक्शन जॉनर का होता है, पर यहाँ पे तीनों एक्टर हैं जिन्होंने हमेशा हाई कॉन्सेप्ट और कन्नड़ का रूट को लेकर फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं, राक्षी शेट्टी, ऋषभ शेट्टी और राज शेट्टी। देखा जाए तो तीनों का फिल्में एक्सपेरिमेंटल और खास करके कन्नड़ का हिस्ट्री बेस्ड होता है, और इसी वजह से इन तीनों को मिला है एक अलग पहचान, और वो सिर्फ कन्नड़ नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल पे। स्पेशली राक्षी शेट्टी को 777 चार्ली के लिए, ऋषभ शेट्टी को कंतारा और राज शेट्टी को गरुड़ गमाना वृषभा बहाना फिल्म के लिए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों ही आउटसाइडर है और अपने कैरियर का शुरुआती में स्ट्रगल करके अपनी दम पे आज इसी मौकाम पे आई है। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों दमदार एक्टर के साथ ही साथ एक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर है, यानी कि अपनी फिल्म का स्टोरी लिखना, डायलॉग लिखना, फिल्म को डायरेक्ट करने से शुरू करके फिल्म पे खुद ही एक्टिंग करते हैं, यानी कि फुल पैकेज ऑफ टैलेंट है। पहले बात करूँ राक्षी शेट्टी को लेकर, पता दोस्तों राक्षित का फिल्म का एनालिसिस वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी हूँ और आप चाहो तो इसको देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। और राक्षी शेट्टी हर टाइम अपने ऑडियंस को एक्सपेरिमेंटल फिल्म में दिया है, उसमें शामिल है पुली दवारू कंदन थे, इसमें पंचभूता यानी कि पृथ्वी, जला, अग्नि, वायु और आकाश का रेफरेंस दी गई है। और काफ़ी इंटरेस्टिंगली राक्षित ने इसमें कर्नाटका का उदुपी सिटी का लोगों का लाइफस्टाइल को हाईलाइट किया है, और इसका स्टोरी लिखा है राक्षित ने और डायरेक्ट भी उन्होंने किया है। और एज ए डायरेक्टर अपनी फर्स्ट फिल्म को लेकर एक्सपेरिमेंट करना वाकई ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का प्रूव है। और राक्षित का दूसरा फिल्म है रिकी, इसमें एक नॉर्मल जॉब होल्डर कैसे नक्सलिज्म के साथ जुड़ जाते हैं वह इसमें दिखाई है, और इसे नक्सलाइट के पीछे क्या छुपा होता है, ये सभी था इस फिल्म का हाईलाइटेड पार्ट। और ये फिल्म राक्षित का कैरियर में एक इम्पॉर्टेंट फिल्म था। और इसके बाद उनका फिल्म है गोधीवन्ना साधारणा माइकत्तू, ये और एक मास्टर क्लास फिल्म है, एक बाप और बेटा के बीच में फिल्म घूमते हैं और आपको पेरेंट्स के बारे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, चाहे आप जिस लेवल पे हो, आपका पेरेंट्स या का है तो आपका रूट को कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसके बाद फिल्म आते हैं क्रिक पार्टी, एक कॉलेज स्टूडेंट वाला कहानी, पर इसमें था एक ट्विस्ट, जहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट लाइफ को कैसे हम चाहे तो एक आम आदमी की तरह लाइफ दे सकते हैं, वो इस फिल्म के दौरान काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट की गई है और जो यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज था। और इसके बाद फिल्म आई अवाने श्रीमन्नारायणा, इसमें राक्षित का कॉमेडी फ्लेवर के साथ जुड़कर हेवन का फ्लावर पारिजात की कहानी को दिखाई है, और इस तरह का यूनिक कॉन्सेप्ट वाकई ही कमाल का रहा। और देखा जाए तो इसी फिल्म के दौरान राक्षित को मिला है एक अलग पहचान, और हिंदी ऑडियंस इस फिल्म का डब्ड वर्जन के लिए कई साल से पागल की तरह वेट किया था, जिस लिस्ट में मैं भी थी। और इसके बाद फिल्म आई 777 चार्ली, इसके बारे में और क्या बोलूँ, सभी लोग ऑलरेडी 777 चार्ली का इमोशन को एक्सपीरियंस किया है, एक पेट के साथ ओनर का आत्मा का रिलेशन होता है जो सिर्फ एक पेट लवर ही समझ सकते हैं। और ये फिल्म सिर्फ कन्नड़ नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पे क्रिटिकली एक्लेम्ड वाला फिल्म बना और बॉक्स ऑफिस पे भी सक्सेसफुल फिल्म बनी है 777 चार्ली। और इसके बाद राक्षित का और एक अपकमिंग फिल्म आ रही है रिचर्ड एंथोनी, और जो राक्षित का आइकॉनिक कैरेक्टर रिची पर बेस्ड है, और वेटिंग फॉर अनदर मास्टरपीस। और अभी बात करूँ ऋषभ शेट्टी को लेकर, अपनी कैरियर की शुरुआती में ऋषभ ने सपोर्टिंग रोल और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, और 2010 पे अपने कैरियर शुरू किया था, पर एज डायरेक्टर उन्होंने फिल्म दिया 2016 में रिकी, और एज लीड एक्टर 2019 में बेल बॉटम, यानी कि ऋषभ का लगभग 6 साल लगा खुद को प्रूव करने के लिए। और बता दोस्तों, ऋषभ का एज डायरेक्टर और एक्टर एनालिसिस वीडियो मेरी चैनल पे है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और ऋषभ का डायरेक्शन फिल्म की बात करो तो उसमें शामिल है रिकी, क्रिक पार्टी, साहिब प्राशाले कसर गोदू और कांतारा शामिल है।
और ऋषभ का एक्टर के रूप में फिल्म की बात करूँ तो उसमें है बेलबॉटम, कथा संगमा, हीरो, गारुदा गमाना, विसावा बहाना। और मैं स्पेशली कांतारा को लेकर बात करूँगी जिस फिल्म को ऋषभ ने लिखा है, डायरेक्ट किया है और मास्टर लेवल का एक्टिंग भी किया है। शेट्टी का रियलिस्टिक और डेडिकेशन वाला परफॉर्मेंस सबको किया है हैरान। और स्टोरी की बात करूँ तो फिर अपने कर्नाटका का रूट ट्रेडिशन भूता कोला को अपने कन्नाडा ऑडियंस के साथ शेयर करने की कोशिश किया है ऋषभ ने, जहाँ पर ऋषभ का थिंकिंग था यह कन्नाडा का ट्रेडिशन है और इसी स्टेट का लोगों तक ही चलेगा। और इसी वजह से उन्होंने अपनी फिल्म को सिर्फ अपने कन्नाडा पे ही रिलीज़ किया था। पर सिर्फ 16 करोड़ बजट में बनाई हुई फिल्म का सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, स्टोरी प्रेजेंट और एक्टिंग, स्पेशली लास्ट 15 मिनट तक जो गूज़बम्प था, वो इस फिल्म को ले गई है एक हाई लेवल पे। और फिल्म को लेकर लोगों का क्रेज और ह्यूज डिमांड की वजह से बाद में इस फिल्म को पैन इंडियन लेवल पे रिलीज करने में मजबूर किया। सोचिए, अगर दूसरा पैन इंडियन फिल्म की बात करूँ तो जहाँ पर फिल्म पे सुपरस्टार रहते हैं और दूसरे स्टेट पे बिजनेस करने के लिए दूसरे स्टेट का सुपरस्टार को भी हायर की जाते हैं, फिर भी फिल्म पैन इंडिया पे नहीं चलते हैं। वहाँ सिर्फ एक स्टेट के लिए बनाई हुआ फिल्म पूरी इंडिया पे तूफान क्रिएट करते हैं अपनी दमदार कंटेंट की वजह से। हैट्स ऑफ ऋषभ। और 16 करोड़ का फिल्म अभी 200 करोड़ का रोड पर है। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस मिला है कांतारा को। और ऋषभ शेट्टी का अपकमिंग प्रोजेक्ट है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर उन्होंने अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदी से जुड़कर कहानी को दिखाएंगे और इसका कॉन्सेप्ट होगा संगम पर बेस्ड, यानी कि और एक मास्टरपीस फिल्म लोडिंग। अभी बात करूँ राज शेट्टी को लेकर। ये शेट्टी भी वो दो शेट्टी से कुछ कम नहीं है। राज के डायरेक्शन फिल्मों के बीच में दो फिल्में हैं, ओंदू मुत्ताय कथे और सेकेंड है गरुदा गमानप। और मैं स्पेशली गरुदा को लेकर बात करूँगी। इसका राइटर, डायरेक्टर और एक्टर रहा राज शेट्टी। इसमें शिवा और हारी दो फ्रेंड है, पर तब क्या होता है जब ईगो और जेलसी दोनों का स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के बीच में आ जाते हैं, वही इस फिल्म का था स्टोरी। और ये फिल्म भले ही OTT पर आया था, पर पूरे इंडिया पे ये फिल्म अपनी कंटेंट की वजह से एक तूफान लाया था। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली, बात यह है कि तीनों शेट्टी को एक दूसरे के फिल्म पे एक्टर या फिर डायरेक्टर के रूप में नजर आते हैं, यानी कि तीनों के बीच में है एक अच्छे सा बॉन्डिंग। और ऐसे ही तीनों शेट्टी अपनी कन्नड़ इंडस्ट्री को कर रही है रिप्रेजेंट। तो सो ये रहा थ्री शेट्टी की गेम चेंजर जानने के बारे में। तो सो इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट पे बताइए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।